आप सभी लोगों को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई। जो गणतंत्र में ने ये जो हमारे संविधान ने हम लोगों को सीख दी है, हम लोगों के इससे अपेक्षा की है, हम सब लोग उसी तर्ज पर काम करें, यही मेरी सभी से अपेक्षा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजी रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं आरजी रमझाझर परिवार की ओर से। इन दिनों चारों ओर चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। प्रत्याशियों द्वारा चुनाव जीतने की हर संभव कोशिश की जा रही है। वहीं राजनांदगांव के छुई खदान में आम जनमानस नाली की सफाई नहीं होने से बदबू के साये में जीने को मजबूर है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एक और पूरे छत्तीसगढ़ में ढोल ताशे नगाड़े व डीजे की आवाज में चुनाव प्रचार प्रसार के सुमधुर सुरों से सजे चुनावी मेंढकों का आवाज सुनाई दे रहा है, जो कि विकास 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 की बात करके आम ग्रामीण जनों का तन और मन झकझोर रहे हैं। परंतु सबको पता है ये चुनावी मेंढक हैं, जो केवल चुनाव जीतने तक आपके लिए सब कुछ करने को तैयार रहेंगे। परंतु जैसे ही चुनाव का सीजन खत्म होता है, यह किस गड्ढे में जाकर घुसते हैं यह किसी को नहीं पता। वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव के छुई खदान क्षेत्र में वार्डों की समस्या इतनी भयावह हो गई है कि यहां के रहवासियों को विकास के नाम पर सबसे पहले साफ सफाई की आवश्यकता है। महीनों से यहां साफ सफाई नहीं होता यहां पे, और यहां के मोहल्ले वाले भी कचरा को पूरा नाली में डाल देते हैं। नगर पंचायत में जाओ, महीना पर एक अगर जाओ तो कम से कम 1.5-2 महीना लगता है साफ होने में। तो ये हम लोग आके कर देंगे साफ, तो कहाँ कहाँ साफ करते हैं, 1.5-2 महीना आते हैं हम लोग। लंबे अरसे से क्षेत्र में बदबू के आगोश में जी रहे आम रहवासियों का एक ही सपना है कि बदबू रहित वातावरण हो, जो इनका मौलिक अधिकार भी है। परंतु चुनावी मेंढकों के द्वारा केवल विकास विकास और विकास के वादे करते मूर्त रूप से कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। और यही वजह है कि छुई खदान की आम जनता चुनावी मेंढकों को ठोक बजाकर चुनने वाली है। नगर पंचायत में बताया गया था कर्मचारियों से, उनको सूचना थी कि नहीं थी यहाँ पे, कि यहाँ पे नाली गंदा है करके? इसकी तो सूचना नहीं है मेरे को, लेकिन नहीं आपने उनको बताया था कि नहीं बताया था? नगर पंचायत वालों को बताया था, लेकिन अभी तक कोई भी कदम उठाया गया नहीं है। क्या बोला गया उनके द्वारा? अब बोले तो थे कि कराएंगे करके, लेकिन अभी तक नहीं कराया गया है। अच्छा। परेशान वार्ड वासियों द्वारा बदबू की समस्या से निराकरण करने के लिए कई बार पूर्व सरपंच, पंच और चुनावी मेंढकों से सिफारिश की गई, परंतु अब तक किसी के द्वारा कोई भी प्रकार का काम नहीं किया गया। और यही वजह है कि आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि जो काम करेगा वही क्षेत्र में राज करेगा। सिर्फ होर्डिंग, बैनर, पोस्टर और चुनावी कर्कश भरी गानों के साथ पढ़ी लिखी जनता को रिझाना इतना आसान नहीं होगा। एक बार सफाई होता है, और सफाई होता है तो उनके कर्मचारी लोग आते हैं साफ करवाने के लिए, और ले जाते हैं, मतलब जैसे निकालते हैं कचरा, उसके बाद में तत्काल उठा के लिख भी जाते हैं हम लोग दवाई में। और क्या है, बदबू आता है नाली में, और क्या है, नाली भरा रहता है, और कुछ है दवाई डलता है, दवाई वगैरह डलता है कि नहीं डलता? दवाई तो हाँ दवाई डलता है, कभी कभार डाल देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। राजनांदगांव से अजय साहू के साथ पारस मणि की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। श्रीमती भगवती ध्रुव को निर्विरोध सरपंच चुना, और साथ ही साथ हमारे बहुत से साथियों को भी निर्विरोध पंच के लिए चुना गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत अपने ग्रामवासियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज 26 जनवरी के पावन पर्व पर हमारे ग्रामवासी पड़ियन की ओर से हम दोनों पति पत्नी ला पंच और सरपंच माँ निर्विरोध निर्वाचित कर चुके हैं, और एक आशीर्वाद माँ समस्त ग्रामवासी ला अपन तरफ से धन्यवाद और प्रणाम प्रेषित करत हूँ। और 26 जनवरी के पर्व माँ हमार छत्तीसगढ़ ला अपन तरफ से बधाई देता हूँ।